नमस्कार दोस्तों, यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में पैटेलर टेंडनाइटिस का पेन बहुत कॉमन है, जिसमें हमें पैटेला के नीचे ये जो नी कैप है उसके जस्ट नीचे इस पोर्शन में दर्द रहता है। मगर ये कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये पैटेला के नीचे इस पोर्शन में पेन होता है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। देखिए, पैटेलर टेंडनाइटिस जिनको होता है उनमें यूजुअली क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये जो हमारे जांघ के सामने क्वाड्रिसेप्स मसल होता है और पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है, उसमें टाइटनेस आ जाता है। तो हमें इन दोनों मसल्स को स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हैमस्ट्रिंग के मसल्स को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए मुझे इस नी में पेन है, तो आप इस तरह से बैठ जाएंगे। तो इस पोजीशन में बैठने के बाद मान लीजिए इस नी में मुझे प्रॉब्लम है, इस नी को मैं सीधा रखूँगा, दूसरा नी को मैं इस तरह से बेंड कर दूँगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपना कमर को सीधा रखेंगे और फिर आगे की तरफ थोड़ा सा इस तरह से आप झुकेंगे, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। देखिए, आपको जैसे मैं बैठा हूँ तो आपको इस तरह से नहीं झुकना है, आपको कमर को सीधा रखना है। देखिए, मेरा ये पूरा बैक सीधा है और फिर मैं इस तरह से सामने की तरफ झुक रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को आप मिनिमम 30 सेकंड्स यानी कि आधा मिनट तक आप होल्ड करके रखेंगे। जितना आप जा सकते हैं सामने उतना आप जाइए, आपको बढ़िया स्ट्रेच फील होगा। और इस पोजीशन को 30 सेकंड में होल्ड करने के बाद फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे और एक सेशन में आप 3 बार ये स्ट्रेचिंग आप करेंगे। इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को और इफेक्टिव बनाने के लिए आप हल्का सा आप अपने जो एड़ियों हैं उसको भी इस तरह से आप अंदर की तरफ आप बेंड कर देंगे, तो आपको और भी अच्छा स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा। 30 सेकंड्स इसको भी होल्ड करके आप रखेंगे। उसके बाद अगला है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप लेट करके भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेट करके बताता हूँ। उसके लिए मैंने ये एक थेरा बैंड यानी कि एक रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहे तो आप बेडशीट या फिर टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और मैं इसके एक तरफ एक लूप बना देता हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने लूप बना लिया। और अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इस तरह से अपने पैर में फंसा दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पेट केवल इस तरह से मैं लेट जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं अगर आपको दिखा, हाँ, इसके बाद फिर मैं अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ूंगा और फिर मैं इसे इस तरह से खींचूँगा। आप बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खींचने के बाद मैं उस पॉइंट तक खींचूँगा इसको जहाँ मुझे अपने क्वाड्रिसेप्स में यहाँ पे एक बढ़िया सा स्ट्रेच फील हो। और जब वो कंफर्टेबल स्ट्रेच आ जाए फिर इस पोजीशन को आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और एक सेशन में आप मिनिमम 3 बार आप करेंगे। दिन में दो से तीन सेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग को हम खड़े होकर भी कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। उसके लिए हमें देखिए खड़े हो जाना है, उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे खड़े होते हैं और फिर आप जिस क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेचिंग करना है, आप उसे इस तरह से बेंड करेंगे और आप पीछे से इस तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद आप पूरी तरह से स्ट्रेट रहेंगे, कोई अगर आप स्टेबल अनस्टेबल हो रहे हैं तो कुछ चीज़ को आप पकड़ लें। उसके बाद फिर आप इस हाथ से नी को बेंड करेंगे, अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, ठीक है, अपने लेग्स को। और आप कोशिश करेंगे कि आपका ये जो हिप है ये पूरा स्ट्रेट रहे, आप इस तरह से बेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब मेरे को ऑब्जर्व करिए, मैंने इस तरह से बेंड नहीं किया, मेरा हिप पूरा स्ट्रेट है और फिर मैं अपने हाथों से अपने लेग्स को बटक्स की तरफ खींच रहा हूँ। तो इससे एक बढ़िया एक स्ट्रेचिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। इसे भी आप मिनिमम 30 सेकंड तक आप इसको होल्ड करके रखें, एक सेशन में 3 बार इसे दोहराएं, ठीक है। दिन में 2 से 3 सेशन आप करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये जो पैटेलर टेंडनाइटिस है ये कॉमनली यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में पाया जाता है जिनको ज़्यादातर जंप या फिर रनिंग करना होता है, जैसे कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल प्लेयर्स, माउंटेनियर्स जो कि माउंटेनियरिंग करते रहते हैं, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। इसीलिए इसको जंपर्स नी भी कहते हैं क्योंकि ये जंपिंग वालों करने वालों को ज़्यादा होता है। इसमें हमारे पैटेल यहाँ पे जो नी कैप है, पैटेला है,
पेटला से यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जो कि हमारे ये जो शिन बोन है, शिन बोन के जस्ट इस पोर्शन में वो टेंडन जाकर के इंसर्ट होता है। तो इस जो टेंडन है इसको हम लोग पेटलर टेंडन कहते हैं। तो इसमें जब भी जो रेगुलरली जंपिंग करते हैं उनको इस टेंडन में बहुत स्ट्रेस पड़ता है, तो धीरे धीरे वहाँ पे स्वेलिंग आने लगता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन आने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पे पेन डेवलप हो जाता है और उसको हम लोग पेटलर टेंडनाइटिस कहते हैं। तो जो अगला एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपके लेग्स के चारों तरफ के मांसपेशियों को आपको स्ट्रेंथन करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताता हूँ। इसमें आप इस तरह से आप लेट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप दूसरा नी को इस तरह से मोड़ देंगे और फिर आप इस पैर को आप उठाएंगे और इसको आप दोनों को बराबर लेवल पर लाएंगे और 5 सेकेंड तक आप होल्ड करके रखेंगे। फिर आप नीचे रखेंगे, रिलैक्स, फिर से आप इसको उठाएंगे और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे इस पैर के बराबर में लाने के बाद। इस तरह से आप एक सेशन में कम से कम 10 से 15 बार आप करें, ठीक है। तो ये था आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स। उसके बाद आपको साइड्स के मसल्स, इस मसल्स को आप स्ट्रेंथन करने के लिए आप इस तरह से आप लेट जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे कोई तकिया रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर नीचे वाला पैर को आप इस तरह से बेंड कर देंगे और ऊपर वाला पैर को आप सीधा रखेंगे, ठीक है। अब इस तरह से आप पैर को उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठा के रखना है, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर नीचे छोड़ देना है, ठीक है। फिर इसको उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर इसको आप नीचे रख देंगे, फिर उठाएं, फिर इसको आप नीचे रख देते। तो एक सेशन में आप 10 से 15 बार आप करेंगे और दिन में 2 से 3 सेशन करेंगे तो अच्छा है। फिर इसी पोजीशन में आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इस तरह से लेट जाएंगे, मेरा हिप भी देखिए बेंड है सामने की तरफ, मेरा नी भी बेंड है और मेरा जो फुट है वो दोनों फुट आपस में जुड़े हुए हैं। अब इस पोजीशन में क्या करूँगा कि मैं अपने नी को इस तरह से उठाऊंगा, ठीक है। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा, रिलैक्स, फिर उठाओ, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, फिर उठाइए, फिर 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स। इसके बाद है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग, यानी कि हमारे पीछे की जो मांसपेशियां हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम पेट के बल इस तरह से हम लेट जाएंगे। उसके बाद फिर एक इस घुटने को 90 डिग्री में मोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसे इस तरह से उठाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर हम नीचे रख देंगे, फिर इसको उठाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर हम रखेंगे। इसी तरह से हमें एक सेशन में कम से कम मिनिमम 10 से 15 बार रिपीट करना है, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके पेटेलार टेंडिनाइटिस के लिए। इसके लिए आपको नॉर्मली आप खड़े रहेंगे और उसके बाद फिर आप सेमी स्क्वैटिंग करेंगे। सेमी स्क्वैटिंग में आप इस फुट को थोड़ा सा गैप करेंगे और उसके बाद फिर हल्का सा इस तरह से आप बेंड होंगे और पूरी तरह से स्क्वैट ना होके आधे में स्क्वैट होके 5 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद फिर आप खड़े हो जाएंगे। अगर मैं साइड व्यू में आपको दिखाऊं तो इस तरह से आप स्क्वैट करेंगे 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 बोलेंगे, फिर आप खड़े हो जाएंगे। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आपको कम से एक सेशन में कम से कम 10 से 15 बार इसको रिपीट करना है। अब जितना हो सके उतना, देखिए इतना तक जाइए, फिर आप खड़े हो जाएंगे। तो इसे भी आप दिन में 2 से 3 बार आप करें, काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को नी के आसपास लिगामेंट इंजरी होने का भी बहुत चांस होता है, जिसमें कि एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट इंजरी बहुत कॉमन है। बाकी लिगामेंट्स का भी इंजरी, मेनिस्कस का भी इंजरी होने का बहुत चांस रहता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइजेस बताए हुए हैं, अगर आपको लिगामेंट इंजरी है
तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें, और कोई भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं। और अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं तो आप हमें चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे जो एकेडमिक वीडियोस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। करना ये है कि आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, उसके थ्रू आपको कोई भी लेवल आपको जो पसंद है वो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। आपका प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।